हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल खस्ता और करारा आलू की कचौड़ी। और फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, इस तरीके से आलू की कचौड़ी आप करवा चौथ या दिवाली किसी में भी बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से आप आलू की कचौड़ी बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े, सभी को ये बहुत पसंद आएगा और मेहमान तो आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन में एक कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं के आटा की जगह आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। यहाँ मैंने बारीक वाला सूजी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह मोटे वाले सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसे 1 से 2 सेकंड के लिए ग्राइंड कर ले। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा आता है और अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट को 1 से 2 मिनट के लिए हाथ से इस तरह अच्छे से मसलते हुए सारे इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने से पूरी हम या कचौड़ी हमारा बहुत ही अच्छा और खस्ता बनता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। और अब हम 1 कप पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे इस तरह छिड़क करके अच्छे से मिलाते हुए इकट्ठा कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसका डो बनाएंगे, जिससे कचौड़ी बनाने के लिए आटा हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट लगेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने 2 से 3 बार पानी डालकर इसे अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ 1/4 कप पानी मेरा बच गया है। और अब हम इसे गूंद लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा लिया है और इसमें 1/4 कप पानी मेरा बच गया है। और अब हम इसे हाथ से मिलाते हुए चिकना कर लेंगे और इसे ढक कर 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। आटा हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने 7 से 8 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लेंगे और इसे हाथ से इस तरह मसलते हुए तोड़ लेंगे। आप इसकी जगह आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे आलू को हाथ से ही अच्छी तरह मसल लिया है और ये सारे टूट गए हैं। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 2 से 3 कटी हुई बारीक हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च की जगह आप रेड चिल्ली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती डालेंगे। आलू के मसाले को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से मिला लेंगे। अगर आपको प्याज खाना पसंद है तो आप इस टाइम पे इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने आलू के मसाले को अच्छी तरह चम्मच से मिला लिया है और आटा भी हमारा सेट हो गया है। और चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। गुथे हुए आटे को हाथ से मिलाते हुए हम इसे चिकना कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने आटे को 1 मिनट के लिए और अच्छे से मिला लिया है और आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बन गया है। और चलिए अब हम इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने सारे आटे का लोई तोड़ लिया है। और चलिए अब हम इसका कचौड़ी बनाएंगे। कचौड़ी बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरह गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। लोई को दोनों हाथ से दबाते हुए बीच में हम गोल घुमाते हुए इसे गड्ढा कर लेंगे। और अब हम आलू का मसाला इसमें भर लेंगे या स्टफ़ कर लेंगे। और इस तरीके से हम इसे दबाते हुए बीच में चारों तरफ से पैक कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा कचौड़ी के लिए आलू हमारा स्टफ़ हो गया है और कचौड़ी हमारा बनके तैयार हो गया है। सेम तरीके से हम सारे लोई में आलू के मसाले को स्टफ़ कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे आलू के मसाले को भर लिया है।
और अब हम इसे कचौड़ी का शेप देंगे। इसके लिए हम एक चकला लेंगे और एक प्लेट लेंगे और मसाला भरा हुआ पेड़ा लेंगे और इसे हल्के हाथों से हम दबाते हुए बेल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे बेल के रख लिया है। आलू के मसाले भरे हुए एक और पेड़ा लेंगे और इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और बेलन से हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। और ये देखिए, हमारा दूसरा कचौड़ी भी बनके तैयार हो गया। और सेम तरीके से यहाँ मैंने सारे रोल करके कचौड़ी बना लिया है। और चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक एक करके हम कढ़ाई में कचौड़ी डालेंगे। आप कढ़ाई में जितना एक बार में कचौड़ी अट सके उतना ही डालें। और ये देखिए, यहाँ मैंने दूसरा कचौड़ी को भी डाल दिया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखेंगे जिससे कचौड़ी हमारे अंदर तक सिकेंगे और ये बिल्कुल ही खस्ता और क्रंची बनेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने एक और कचौड़ी डाल दिया है। इससे ज़्यादा कचौड़ी इस कढ़ाई में नहीं आएगा। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे या फ्राई होने देंगे। और हम इसे बीच बीच में पलटते हुए दोनों तरफ से सुनहरा या गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने कचौड़ी को एक एक करके पलट दिया है। पलट करके हम इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। इस तरीके से कचौड़ी बना करके आप बच्चों के टिफ़िन लंच में भी पैक करके दे सकते हैं। कचौड़ी ये देखिए हमारा फूल गया है। और अब हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से फिर से सेक लेंगे और इसमें गोल्डन कलर आने तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जिससे कचौड़ी हमारा अंदर तक बहुत अच्छे से सिकेगा या पकेगा। और ये देखिए, इसमें गोल्डन सुनहरा कलर आ गया है। और अब हम इसे एक एक करके तेल में से निकाल लेंगे। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। कचौड़ी को आप चाय, सब्जी या ऐसे खाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूंगी एक नए